हे गाइज वेलकम बैक टू आर चैनल नीट संजीवनी दिस इज रितिक छापड़ा हेयर एंड टूडे वी विल कवर रिप्रोडक्शन यूनिट्स थर्ड चैप्टर विच इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन सो एन सी आर टी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने आज फिर से आपको रूल्स पता ही हैं आपको हर क्वेश्चन के लिए दस सेकेंड मिलेंगे सो लेट्स स्टार्ट गाइज ह्यूमन प्रोडक्शन हमारा चैप्टर थ्री आप देख सकते हैं हमारे सामने आ चुका है और आपको दस सेकंड का टाइम मिलेगा आप जानते हैं और अगर आपको ज़्यादा टाइम रिक्वायर है तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं आप सब लोग जानते ही हैं सो so, मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन चूज द इन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ यस योर टाइम्स अप सो चेक करते हैं इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं द बर्ड्स एंड मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस येस दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट कोलेस्ट्रॉम कंटेन्स एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिय येस दिस इज ऑल्सो करेक्ट पॉलिस फर्म इज प्रिवेंटेड बाई द केमिकल चेंजेस इन द एग् सर्फेस नो दिस इज नॉट ट्रू पॉलिस फर्म इज प्रिवेंटेड बाई द केमिकल चेंजेज इन द एग् प्लाज्मा मेम्बर दैट इज जोना पेल्यूसिडा वो एग के ऊपर की सरफेस होती है एग सरफेस नहीं होती है वो जो जोना पैल्यूसिडा होती है वो एक लेयर होती है लाइक अ मेमब्रेन कवरिंग द एग सो फर्स्ट का सी पार्ट गलत है एक बार फोर्थ स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं इन द ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर्स ऑलमोस्ट सेवन डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन येस दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो गया सी येस मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर टू है हमारा यू हैव टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग और ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं ये जो बी ऑप्शन है इसमें ओर गोनियल सेल्स है यहाँ पर ऊ गोनियल सेल है आप प्लीज पढ़ते हुए ध्यान रखिएगा सो योर टाइम स्टार्ट नाउ यस योर टाइम अप सो चेक करते हैं इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सी है फर्स्ट ऑप्शन है हाई लेवल ऑफ द यस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट ऊगोनियल सेल्स स्टार्ट टू प्रोलिफरेट एंड गिव राइज टू फंक्शनल ऑफ इन रेगुलर साइकिल्स फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स नो दिस इज द रोंग स्टेटमेंट जो ऊगोनियल सेल्स होते हैं वो प्रोलिफरेट नहीं करते हैं आफ्टर द प्यूबर्टी दे जस्ट प्रोलिफरेट ज्यूरिंग द बर्थ टू प्यूबर्टी फेज एंड आफ्टर दैट दे जस्ट कीप ऑन डूइंग म्योसिस एंड देन द एग इज फॉर्म्ड एवरी मंथ एज यू नो और ऑप्शन सी हम पढ़ लेते हैं एक बार स्पम्प्स रिलीज फ्राम सेवन फरस्टिब्यूल्स आर पुअरली मोटाइल येस दे आर पुअरली मोटाइल और यू कैन से नॉन मोटाइल एंड डी ऑप्शन है प्रोजेस्टेर लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ऑफ विलेटरी फेज ऑफ मैंस्ट्रोल साइकिल दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट सो सेकेंड का बी पार्ट है करेक्ट आंसर यानी कि बी पार्ट हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड है द स्पॉट द ऑर्ड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद रेफरेंस टू द मेल प्रोडक्टिव सिस्टम एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ

यस योर टाइम्स अप सो चेक करते हैं सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूड पार्ट ऑफ सेमिन इज कंट्रीब्यूटेड बाय सेमिनल वेस्कल यस प्रोस्टेट यस यूरे नहीं बल्ब यूरे यस तो वन टू एंड फोर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं सेमिनल प्लाज्मा को तो हमारा ऑप्शन है फोर्थ का बी यानी बी करेक्ट आंसर होता हुआ तो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं परमिशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पम्स फ्रॉम एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ Yes, your time's up. So you all know, spermiation is the process of release of sperms from seminiferous tubules, i.e., fifth ka, a part. So moving on to our next question, question number six. Our mature graphene follicle is generally present in the ovary of a healthy human female around. And your time starts now. Yes, your time's up. So let's check the correct answer mature graphian follicle is generally present in the ovary of a healthy human female around you all know it is 11 to 17 day of menstrual cycle there is a phase when mature graafian follicle is present and then ovulation occurs after that so 6th ka b part correct answer hai 7th question hai acrosomal reaction of the sperm occurs due to and your time starts now येस योर टाइम्स अप सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एक्रोजोमल रिएक्शन ऑफ द स्पम अकर्स ड्यू टू इट्स कॉन्टेक्ट विद जोना पेल्यूसिडा ऑफ द ओवा येस दिस इज द करेक्ट आंसर सो सेवंथ का ए पार्ट करेक्ट हो गया बाकी भी एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं रिएक्शन विद एनवामेंट ऑफ द फीमेल नो

Seminal vesicle is, yes, it is the male accessory gland. Ampulla, no, ampulla is present in female reproductive system. It is not a part of male reproductive system. And prostate is a male accessory gland. Yes, bulbo urethral is also a male accessory gland. So, 8th ka B part is the correct answer. So, moving on to next question. The immature male germ cell undergo division to produce sperms by the process of spermatogenesis. You have to choose the correct one with reference to above. And your time starts now. येस योर टाइम इज़ ओवर सो देखते हैं इसमें करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है स्पर्मेटोगिया well so, तो. है फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स एंड ऑलवेज अंडर गोज मीटिक सेल डिविज़न नहीं इट डज़ नॉट ऑलवेज अंडर गो मीटिक सेल डिविजन इट अंडर गोज माइटोटिक डिजन एज वेल एज मीटिक डिविजन सो गलत हो गई ये स्टेटमेंट तो सेकेंड है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोटिक सेल डिविजन नो दे डिड बाई मीओटिक सेल एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ट्वेंटी थ्री क्रोसोम दिस इज ट्रू एंड अंडर गो सेकेंड मेटिकस बोध दी सब स्टेटमेंट्स ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट सो सी पार्ट हमारा करेक्ट है डी है हमारा स्परमेटोजो आर ट्रांसफॉर्मड इंटू स्परमेटेड नो स्परमेटेड आर ट्रांसफॉर्म्ड इंटू स्परमेटोजो सो नाइन्थ का सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन है मैच बिटवीन द फोइंग रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द स्प एंड देयर फंक्शंस and you have to choose the correct options which will which i will show you in the next page so first we will read the column a and column b yes you can now check the options also again you can check this yes and your time starts now यस योर टाइम्स अप सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर हमें मैच करना था तो कॉलम ए में हेड के साथ क्या मैच करेगा हेड में होते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल जी हाँ तो ए का तो फोर्थ हो गया मिडल पीस यानी कि बी इसमें होती है हमारी एनर्जी तो बी का हो गया थर्ड एक््रोजोम में होते हैं एंजाइम्स और टेल में है स्प मोर्टेलिटी यानी ए का फोर और बी का थ्री ऐसा कोई ऑप्शन है क्या ए का फोर बी का थ्री यस एक ही ऑप्शन है बी पार्ट बाकी भी हम चेक कर लेते हैं अपने सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड और हमारे बी ऑप्शन में ये सी का फर्स्ट डी का सेकंड यस तो टेंथ का करेक्ट आंसर होता है बी मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है अमंग द इलेवेनिंग ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम एंड योर टाइम स्टार्ट नाउस यूर टाइम्स अफ वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस वॉज ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होंगे हमारे सेकेंडरी ऊसाइट जाई स्पर्मेटोगोनिया पर सेकेंडरी ऊसाइट में प्रेजेंट होंगे क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया में भी टू एन है जाइगोड भी टू वन है ओगोनिया भी टू एन है सेकेंडरी ऊसाइड जो है होता है वो मियोसिस के बाद बनता है तो उसमें ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स होंगे तो इलेवेंथ का करेक्ट आंसर है सी मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ आपकी स्क्रीन पर मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ येस योर टाइम्स अप सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर ट्रोफोब्लास्ट लेयर एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिज ग्रुप ऑफ सेल्स आउटर लेर्स ऑफ ब्लास्टोसिस येस ट्रोफोब्लास्ट इज द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस अटैच टू द एंटोमेट्रीम तो ए का थर्ड किस में है बी और सी ऑप्शन में है नेक्स्ट हम क्लीवेज की बात करते हैं क्लीवेज होता है माइटोटिक डिविजन ऑफ जयगुर बी का फोर्थ ऐसा एक ही ऑप्शन है बी पार्ट ए का थ्री बी का फोर बाकी फिर भी हम चेक करेंगे इनर सेल मास होता है ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वुड डिफ्रेंशिएट एज एम्ब्रियो सी का सेकंड यस बी पार्ट में यही है इम्प्लांटेशन एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम यस डी का फर्स्ट तो ट्वेल्थ का बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ यस योर टाइम्स अप सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा एच सी जी एच पी एल ईस्ट्रोजन प्रिजेस्ट्रॉन ये सब हॉमोन्स प्लेसेंटा सिक्रेट करता है नहीं सिक्रेट करता तो क्या एल एच तो थर्टींथ का डी पार्ट इज दी करेक्ट आंसर फोर्टीन क्वेश्चन है द वास डिफरेंस रिसीव्स डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन्स इन टू यूरेथ्रा एज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ येस टाइम्स अप सो सेमल वेसिकल ओपन इंटू यूरेथ्रा एज सॉरी वाज डिफरेंस रिसीव दट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इंटू यूरेथ्रा एज इज एक्टेड आपने पढ़ा होगा एन सी आर टी में वेरी सिम्पल फोर्टीन का बी पार्ट तो फिफ्टींथ है हमारा यूरेथ्रल मीटर्स रेफर्स टू दैंड यूर टाइम स्टार्ट्स नाउ टाइम्स अप सो यूरेथ्रल मीटर्स रेफर्स टू यूरिनो जेनाइटल डक्ट नो ओपनिंग ऑफ वास डिफरेंस इन टू यूरेथ्रा नो इट इज़ ए जैक्युलेटरी डक्ट एंड एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूराइन यूरिनो जेनाइटल डक्ट येस सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर यूरेथ्रल मीटर्स इज द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरानो जेनेटल डक्ट सो फिफ्टींथ का सी पार्ट करेक्ट है सिक्सटींथ पे आते हैं मॉर्यूलाइज डेवलपमेंटल स्टेज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ येस योर टाइम्स अप सो हमसे पूछा था कि मॉर्यूलाइज अड डेवलपमेंटल स्टेज बिटवीन वॉट सो बिटवीन द जाई गोट एंड ब्लास्ट येस दिस इज द करेक्ट आंसर ए पार्ट ही अपने आप करेक्ट है तो बाकी तो पढ़ने की फिर नीड ही नहीं है तो सिक्सटींथ का ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर सेवनटीन द मेम्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन इज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ यस टाइम सब सो मेम्ब्रेन कवर ओवम का ओवलेशन के टाइम पर किस चीज़ से बना होता है कोरोना रेडिएटा का होता है वो किस चीज़ से नहीं सॉरी उसको क्या बोलते हैं तो द मेम्बरेस कवर ऑफ द ओवम एट ओवुलेशन इज कोरोना रेडिएटा सो सेवनटीन्थ का ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर फॉर टुडे आईडेंटिफाई द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ Yes, your time's up. You have to identify the odd one from the following. You have given labia minora, fimbria, infundibulum, isthmus. Labia minora is the odd one from the following as infundibulum, fimbria, isthmus are present near the ovary and labia minora is the outer covering of the female reproductive system. So, these are the 18 questions for today. ये आपके एटीन क्वेश्चन हैं यानी कि आपके बैठ गए सेवेंटी टू मार्क्स के ये सेवेंटी टू मार्क्स बैठे हैं तो नीट पैटर्न के अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स दे सकते हैं अपने आप को और चेक कर सकते हैं आपने कितना स्कोर करा है तो उससे आपको अपना चैप्टर पता चल जाएगा आपका चैप्टर कितना रेडी है अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं मैं वहाँ पर डाल दूँगा क्योंकि अगर आप लोग फिर अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं होता है तो अगर आपको चाहिए हो तो बता दीजिएगा अगर कोई भी बच्चा कहेगा तो अपलोड कर दिए जाएंगे वो टेलीग्राम चैनल पर इट विल बी ऑफ नो हार्म अभी चैनल स्टार्टिंग फ़ेज़ में है तो अभी कुछ ज़्यादा व्यूज़ नहीं है इसमें तो अगर आप चाहें तो बता सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आप चैनल को बढ़ाना चाहते हैं तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है अच्छी बात है अगर नहीं पसंद आ रहा है तो और भी बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पर आपको जिसका कंटेंट पसंद आया आप उसका देखिए लेकिन पढ़ाई कीजिए और अपने कंसेप्ट इम्प्रूव कीजिए क्योंकि आपका नीट का एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है आने वाला है बस कोरोना टाइम तो ये निकल ही जाएगा एग्ज़ाम तो होना ही है अगस्त नहीं तो सितंबर एग्ज़ाम तो होना ही होना है तो आप लोग एग्ज़ाम के लिए हमेशा तैयार रहिए कि आपका कोई कल भी एग्ज़ाम लेने को कहे तो आपके मन में डर ना हो कि हमें कुछ नहीं आता आप इतना तो कर सकें कि आप क्वालिफाई अच्छे से कर जाएँ अच्छे फ्लाइंग कलर्स से सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय